किसान भाइयों नमस्कार। वेटनरी के स्टूडेंट्स जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ा हुआ है तो सभी को मैं नमस्कार करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका जो एनिमल है वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो आप उसकी मूवमेंट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एनिमल की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इसे हम इंग्लिश में रिस्ट्रेनिंग कहते हैं। तो कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे हम एनिमल की रिस्ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप कोई वेटनरी के स्टूडेंट हैं या कोई किसान हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हॉल्टर की। दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक रस्सी का एक ऐसा पीस होता है जिसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है और इसको हम एनिमल के हेड में अप्लाई करते हैं और ये हेल्प करता है एनिमल की रिस्ट्रेन करने में, एनिमल को कंट्रोल करता है। दोस्तों नंबर सेकेंड पर बात करते हैं मज़ल की। दोस्तों जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये होता है जो एनिमल के पूरे मज़ल को पूरे फेस को बिल्कुल बंद कर देता है और एनिमल कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं कर पाता। दोस्तों नंबर तीन पर बात करते हैं बुल नोज रिंग की। इस रिंग को बुल के नेजल सेप्टम में अप्लाई किया जाता है और दोस्तों ये एलुमिनियम का बना होता है और अलग अलग इसकी शेप हो सकती है। नेक्स्ट में दोस्तों इसी में आएगा बुल नोज पंचर। दोस्तों आप इस इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं, इसमें हम बुल के नोज़ में जो है पंच करते हैं, मतलब ताकि बुल नोज रिंग जो होता है उसको हम अप्लाई कर सकें। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं बुल लीडर की। तो दोस्तों ये एक चेन के तरह होता है जिसको हम एनिमल का जो बुल नोज रिंग होता है उससे अटैच करते हैं ताकि हम बुल को रिस्ट्रेन कर सकें। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं वुडन गैग की। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बेलन के आकार का है और इसमें एक रोप लगी होती है, तो इसको हम एनिमल के हेड में या फेस में लगा करते हैं ताकि हम एनिमल के माउथ को एग्जामिन कर सकें। बात करते हैं ट्रेविश की। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बुल को डाला जाता है, कैटल को डाला जाता है और उसकी मूवमेंट को जैसे हम एनिमल की टैटूइंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं या कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, एनिमल पूरे एनिमल की ट्रीटमेंट भी जब हम करने लगते हैं तो इसके अंदर डालते हैं तो एनिमल कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता। दोस्तों बात करते हैं डॉग कैचर की और पिग कैचर की। दोस्तों ये कुछ इस तरीके का होता है और इसमें हम एनिमल को जो डॉग होता है या पिग होता है उसको हम अप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो आप पर अटैक ना करे और उसकी मूवमेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से रोक सकें। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं एंटी काउ कीकर की। इसको हम कैटल के हैंड लेग में अप्लाई करते हैं। इसमें टू मेटल क्लिप्स लगी होती हैं और इसको हम अटैच करते हैं चेन से और कैटल की हाइंड लेग में इसको अप्लाई करते हैं ताकि कैटल जो है किक न कर सके और कैटल को अच्छी तरह से रिस्ट्रेन किया जाए। ये क्रैडल नेक है, इसमें 10 से 12 पीस होते हैं जो एक रोप के साथ जुड़े हुए होते हैं और इसको हम एनिमल के नेक पर अप्लाई करते हैं जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं। तो इसमें जो है एनिमल अपना जो नेक है उसको ज़्यादा इधर उधर नहीं हिला सकता, बिल्कुल वो सीधा रहता है। तो गाइज यार आज की इस वीडियो में हमने बात की कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जिनसे हम एनिमल की मूवमेंट को रोक सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।